हाथ पैर को क्रॉस कर ले। कुछ लोग, नए लोग हैं, वो पूछते हैं चश्मा क्यों उतारना है, तो चश्मा पहनते हैं हम बाहरी दुनिया को देखने के लिए, लेकिन हम जब ध्यान कर रहे हैं तो उस अंदर की दुनिया में पहुंचने के लिए या देखने के लिए हमें चश्मे की जरूरत नहीं है। तो अपना चश्मा उतार दें और अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए अपने सांस के साथ जुड़ जाएं, आंखें कोमलता से बंद, गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए, और फिर रिलैक्स्ड बॉडी, रिलैक्स्ड माइंड, रिलैक्स। सुखासन में बैठ जाएं, अपने आप को अलाउ करें अभी इस पल में बाहरी किसी भी चीज से, किसी भी बातों से, किसी भी लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। अभी ये पल है हमारे ध्यान का, हमारे स्व के साथ जुड़ने का। बिल्कुल रिलैक्स्ड ये संध्या बेला और सामूहिक ऊर्जा, जब हम ध्यान में शाम के समय बैठते हैं तो 3 गुना ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती है। जिस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में हमें एक दिव्य ऊर्जा, साफ सुथरी ऊर्जा, कोई मिक्स्ड एनर्जी नहीं, वैसी ही उसी तरह संध्या बेला में भी हम उस डिवाइन एनर्जी से, 3 times मोर पावरफुल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। और जब हम समूह में बैठकर ध्यान करते हैं तो अगेन मल्टीप्लाई एनर्जी, मल्टीप्लाई होकर हमें दिव्य ऊर्जा मिलती है। तो हम सब इस ऊर्जा को अपने भीतर उतारने के लिए, इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हम तैयार हैं। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, अपना पूरा ध्यान अपने नासिका द्वार पर, आती जाती श्वासों पर। इस बाहरी जगत की यात्रा के लिए हमें बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती है, पर भीतरी जगत में जाने के लिए हमें कोई तैयारी नहीं करनी। बस अपनी सांसों को व्हीकल बनाकर, गाड़ी बनाकर हम सब निकल पड़ेंगे अपने अंतर मन की यात्रा में, अपने ध्यान की गहराई में। तो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल शांत और स्थिर होकर जुड़ जाएं अपनी आती जाती श्वासों के साथ। कितना सुंदर है ये पल हमारे ध्यान का। जैसे ही हम अपनी सांसों का साथ देने लगते हैं, विचार, अननेसेसरी थॉट, अनवांटेड थॉट धीरे धीरे सब दूर जाने लगते हैं। और हम अपने श्वासों के साथ अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ने लगते हैं। भूल जाएं अपने शरीर को, अपने मन को, किसी भी काम को, दुनिया को। बस इस पल में हम, हमारी सांसें, ये वर्तमान का क्षण, आती जाती सांसें, इन श्वासों को देखते देखते
मन स्थिरता में जा रहा है और शरीर विश्राम की अवस्था में। सिर्फ कुछ पल सांसों का साथ निभाया और तुरंत ही एक ठहराव, एक शांति की स्थिति में अपने आप को हम महसूस करने लगे। ये कमाल है वर्तमान के क्षण में रहने का, अपनी सांसों के साथ रहने का। इसीलिए कहते हैं, जिसने सांसों को साध लिया उसका जीवन सद गया। जब हम गुस्से में होते हैं, नाराजगी में होते हैं, तो सांसें अलग चलती है। जब हम प्रेम में होते हैं, दया करुणा में होते हैं, तो वो सांसें अलग चलती है। जब बिल्कुल मन शांत होता है, स्थिर होता है, तो सांसें अलग चलती है। इसीलिए कहते हैं, जब कभी मन अशांत हो, अस्थिर हो, तो बैठ जाए कुछ पल अपनी सांसों के साथ और उसे सामान्य बना ले, उसे स्थिर बना ले। श्वास बदला, भाव बदले। जैसे ही हम सांसों को सामान्य बना लेते हैं, गुस्सा, नाराजगी, चिंता, परेशानियां सब हटने लगते हैं, सब तुरंत ही गायब हो जाते हैं और हम स्थिरता में आ जाते हैं। मन शांत होने लगता है, अपने दिल दिमाग में एक क्लैरिटी के साथ हम निर्णय ले पाते हैं। हर स्थिति परिस्थिति को हम समझने लगते हैं सही तरीके से। जिसने सांसों को साध लिया वो साधक बन गया, उसका जीवन सत गया। हम सभी ध्यानी सांसों का ध्यान कर रहे हैं। हम सभी एक साधक हैं, अपनी साधना में, अपनी सांसों के माध्यम हमें गहराई में उतरना है। अपने भीतर के द्वार में हम प्रवेश कर रहे हैं और ये द्वार हर पल खुला रहता है। बस हम ही भूल जाते हैं अपने दिनचर्या में, अपने जीवन की उथल पुथल में। अभी ये पल है हमारा, उस भीतरी द्वार में हम अंदर भीतर प्रवेश कर रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं, एक भीतरी रोशनी हर पल जलती रहती है। बहते चले जाएं, उतरते चले जाएं, अपनी सांसों के सहारे बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर दे, अपनी सांसों के हवाले।
जहां भी ये सांसें लेकर जा रही है, बस बहते चले जाए अपने आप को ऊर्जा के रूप में। ना शरीर, ना मन, ना विचार, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ऊर्जा के रूप में अपने आप को, जैसे खुद ही हवा बन गए, खुद ही सांस बन गए और बहते चले जाएं इस अंदर की यात्रा में, जहां एक ठहराव है, एक सुकून है, एक अलग ही आनंद है। कहां ढूंढ रहे थे उस परमात्मा को, बाहर दर दर, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे में, कभी तीर्थों में, कभी पहाड़ों पर। ये परमात्मा भीतर ही बैठा है, ये भीतर जाने का मार्ग हमारी सांसें। ये सांसें हमें जोड़ रही है हमारी आत्मा से, और आत्मा को उस परमात्मा से। आज जैसे मिलन हो रहा है इस आत्मा के उस परमात्मा से, अपने सच्चे स्वरूप से, उसी का तो हिस्सा है हम, उसी का तो अंश है हम। हम और वो अलग नहीं, कोई अंतर नहीं। हम ही ईश्वर हैं, हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही वो परमात्मा। इस एहसास के साथ, इस एकाग्रता के साथ बने रहे। अंतर कैसा, अंतर कैसा।
Thank you.
धीरे धीरे वापसी में लौटेंगे हम। इस ऊर्जा को समेटते हुए, इस पल की दिव्य रोशनी, दिव्य आशीर्वादों को समेटते हुए, इस पल में उस परम आत्मा से एकाकारता करते हुए हम वापसी में लौटेंगे। अपने आप को उस ऊर्जा के रूप में, वायु के रूप में, श्वासों के साथ उसे माध्यम बनाए हुए हम धीरे धीरे लौट रहे हैं अपने इस भौतिक शरीर में। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए खुद को महसूस करें अपने शरीर में, अपनी चेतना में, जिस जगह बैठे उस जगह को फील कर पा रहे हैं। मन ही मन धन्यवाद पाओ। आज के इस पल के लिए, ध्यान के लिए, ध्यान में मिली ऊर्जा के लिए, इस परमात्मा से एकाकारता करने के लिए, अपने सच्चे स्वरूप से मिलने के लिए मन ही मन बहुत बहुत धन्यवाद पाऊं। सामूहिक चेतना को धन्यवाद, आज के ध्यान में मिली ऊर्जा और आशीर्वादों को धन्यवाद। लास्ट 10 सेकेंड, दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। पांच, चार, तीन, दो, एक, शून्य।